हेलो साथियों, आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आप लोगों के बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ये छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का दूसरा पार्ट है साथियों। यदि आप लोग पहले पार्ट को नहीं देखे होगे तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर अवश्य देख लें, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ पर जाके आप लोग जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? तो इसका सही उत्तर बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही उत्तर है वीर नारायण सिंह। कौन है? वीर नारायण सिंह। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, देखिए, किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है साथियों? हनुमान सिंह को। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आपका नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे? छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे तो कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा। कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा मिला? छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा मिला कब मिला था? तो 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा मिला था। ठीक है साथियों, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, सरगुजा रियासत को किस वर्ष छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया? सरगुजा रियासत को किस वर्ष छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया? तो बताओ साथियों, किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसका उत्तर है 1906 ईस्वी में। क्या? 1906 ईस्वी में। अब देखते हैं अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नरबलि की प्रथा प्रचलित थी? छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्रों में नरबलि की प्रथा प्रचलित थी? तो बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है करौंद। इसका आंसर है करौंद। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई? छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई? बताओ साथियों इसका आंसर। तो इसका आंसर है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कौन है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में गांधी जी हरिजन यात्रा कब शुरू हुई थी? छत्तीसगढ़ में गांधी जी हरिजन यात्रा कब शुरू हुई थी? तो कब शुरू हुई थी साथियों? बताओ इसका आंसर, नवंबर 1933 ईस्वी में। नवंबर 1933 ईस्वी में। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है? छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है? तो ये है उत्तर प्रदेश। किसके साथ? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया? किस जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया? तो बताओ साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है बस्तर। क्या है? बस्तर। बस्तर जिला को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, आपका अगला प्रश्न, किस जिले को विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया गया? किस जिले को विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिला को विभाजित करके बीजापुर जिला बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है? तो कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है? तो वह है कर्नाटका। कर्नाटका ऐसा राज्य है जो छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है। बाकी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले सबसे कम तहसीलें हैं? छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम तहसीलें हैं? तो सबसे कम तहसीलें कहाँ पर है? नारायणपुर में। कहाँ पर है साथियों? नारायणपुर में। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, रायपुर जिले से कितने जिलों की सीमाएँ लगी हुई है? रायपुर ज़िले से कितने जिलों की सीमाएं लगी हुई है? तो कितने जिले की सीमाएं लगी हुई है? 6। इसका सही उत्तर है 6 जिला। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? छत्तीसगढ़ के किस जिले से कर्क रेखा
गुजरती है। तो बताओ साथियों, इसका आंसर है तो इनमें से सभी, ये सभी से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कोरिया से भी होकर कर्क रेखा गुजरती है, बलरामपुर से भी और सूरजपुर से भी। तो इसका राइट उत्तर है ये सभी, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है बताओ साथियों इसका आंसर। तो छत्तीसगढ़ की जो आकृति है वह समुद्री घोड़ा के समान माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है समुद्री घोड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम परिवर्तित कर कबीरधाम रखा गया है? छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम परिवर्तित कर कबीरधाम रखा गया है? तो बताओ साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा, कवधी, ठीक है, कवधी, ठीक है। कवधी को, नाम को परिवर्तित करके क्या नाम रखा गया, कबीरधाम रखा गया था, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? तो किसका भाग नहीं है, यह रायगढ़ का भाग नहीं है। किसका भाग नहीं है दोस्तों, रायगढ़ का भाग नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है, मैदानों और नदियों के बेसिन, मैदानों और नदियों के बेसिन, ठीक है साथियों। अब देखते हैं अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय है, सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय है बताओ साथियों इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है अंबिकापुर, कौन है, अंबिकापुर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय है, कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय है बताओ साथियों इसका आंसर, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है कवर्धा, इसका आंसर है कवर्धा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है साथियों, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बस्तर, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है, बस्तर साथियों। अगला प्रश्न, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? तो भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है साथियों, इसका आंसर बताओ। तो इसको आंसर है तीन, इसका आंसर क्या है, तीन, तीन भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है साथियों, 220 मीटर, कितनी है, 220 मीटर, ठीक है। अब अगला देखिए, आपका अगला प्रश्न है साथियों, चंगभागढ़ पहाड़ी स्थित है, चंगभागढ़ पहाड़ी स्थित है तो कहाँ स्थित है, कोरिया में, कहाँ पर स्थित है, कोरिया में, इसको याद रखना साथियों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? तो ये है जसपुर उच्च भूमि, इसका सही उत्तर है साथियों, जसपुर उच्च भूमि। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर बताओ साथियों। तो इसका राइट आंसर है मैकाल रेंज, ठीक है, मैकाल रेंज। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है तो बताओ साथियों। तो इसका सही आंसर है जसपुर, इसका सही आंसर कौन है, जसपुर। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है? छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है? तो इसका सही उत्तर बताओ साथियों। तो इसका सही उत्तर है 40%, कितना प्रतिशत, 40%, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं? राज्य के किस जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं, दंतेवाड़ा में, कहाँ पाए जाते हैं साथियों, दंतेवाड़ा में, ठीक है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है?
छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है? तो कितने प्रतिशत उत्पन्न होता है? 20%। कितना प्रतिशत साथियों? 20%, याद रखना है इस क्वेश्चन को साथियों। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, सागौन के वन छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाए जाते हैं? सागौन के वन छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाए जाते हैं? तो किस जिले में? बिलासपुर जिले में। किस जिले में साथियों? बिलासपुर जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो इसका राइट आंसर है राजनांदगांव। क्या है साथियों? राजनांदगांव। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है साथियों, छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल देश के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल देश का कुल वन क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है साथियों? 8% है। कितना प्रतिशत है? 8% है। नहीं लागे रुकना। अब देखो अगला प्रश्न है साथियों, छत्तीसगढ़ के नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य है? छत्तीसगढ़ के नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य है? तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों? भोरमदेव। इसका राइट आंसर भोरमदेव है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो कम वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो याद रखना साथियों, जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा में ही सबसे कम वन पाया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है बताओ साथियों? तो इसका सही उत्तर है सरगुजा। इसका सही उत्तर है सरगुजा। ठीक है, अब अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को साल बनों की द्वीप कहा जाता है? इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है बस्तर। ठीक है, बस्तर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क का प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क का प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर है साथियों। फिर अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्लभ प्रजाति का अजगर पाइथन रेटिकुलेटस किस जिले में पाया जाता है? तो कौन से जिले में पाया जाता है साथियों? तो इसका सही उत्तर है बिलासपुर जिले में पाया जाता है। ठीक है, कौन से जिले में? बिलासपुर जिले में। आपका अगला प्रश्न है, बादलखोल वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है? बादलखोल वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? तो यह स्थित है जसपुर जिले में। कौन से जिले में? जसपुर जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न, पामेर वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? पामेर वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये बिलासपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? बिलासपुर जिले में। अगला प्रश्न, भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो यह कवर्धा जिले में स्थित है साथियों। कहाँ स्थित है? कवर्धा जिले में। ठीक है, फिर देखते हैं आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो बताओ साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो इन ऑप्शन में से सही आंसर होगा तमोर पिंगला। कौन है? तमोर पिंगला। ठीक है, अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो बताओ साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बादलखोल। ठीक है, सही आंसर कौन है? बादलखोल। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसका उत्तर सही से बताओ आप लोग। तो इसका सही उत्तर है बीजापुर। कौन है? बीजापुर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, वैसे तो राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती है, गुरु घासीदास है और कांकेर घाटी है। ये काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान नहीं है छत्तीसगढ़ में। ठीक है,
फिर देखते हैं अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये महानदी है। क्या है? महानदी। ठीक है, आपका लास्ट प्रश्न है, महानदी की उत्पत्ति किस राज्य से होती है? महानदी की उत्पत्ति किस राज्य से होती है? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। धन्यवाद।